नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं जीबीएन न्यूज 24, मेरे यानी नदिया जिंदल के साथ कैमरामैन दीपांक। सो आज हम आए हैं सोफी सेंचुरी, जो कि कावेरी भारद्वाज जी का है, और ये एक डॉग सेंचुरी है, एक एनिमल सेंचुरी है, जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स यानी कि सड़क के कुत्तों को रखा जाता है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि जितने भी जो एनिमल्स हैं, कह लीजिए कि हमारे पास स्ट्रीट डॉग्स भी हैं और गौशाला भी है, ये आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो सब पीड़ित हैं, जिनका इलाज खुद कावेरी राणा जी करती हैं, कावेरी भारद्वाज जी करती हैं, और इनकी पूरी टीम है। और हम लोग इस काम को बहुत सराहते हैं, क्योंकि जिन बेजुबानों के लिए लोग सोचते नहीं हैं, उन बेजुबानों के लिए ये इतने वर्षों से काम करती आ रही हैं। ये एक सेल्फलेस जॉब है, जहाँ पे कि इन्हें कुछ हासिल नहीं होता है सिवाय प्यार और दुआओं के। तो हम आपको दिखा देते हैं इस तरफ। ऐ इंसान, मुझसे प्यार तो करके देख, तुझे सिर्फ वफा ही मिलेगी। ये मैं नहीं, ये प्यारे कुत्तों के बोल हैं। जी हाँ, आप इन बोलों को तभी समझ सकते हैं जब आप इनके प्रति दिल में एक प्रेम भावना रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्यारे कुत्ते बहुत बहुत ज़्यादा है इनके पास देने के लिए। तो आज हम मिलने जा रहे हैं एक बहुत प्यारी मनुष्य से, जिनका नाम है कावेरी भारद्वाज, और जो कि बरसों से इस काम में लगी हुई हैं, जो कि एक सेल्फलेस जॉब है। इन प्यारे प्यारे कुत्तों के लिए वो इतना काम कर रही हैं। तो आज हम कावेरी भारद्वाज जी से ये भी जानेंगे कि जो ये स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो कि हम सभी के घरों के आसपास लोकेलिटी में, सोसाइटीज़ में, गलियों में मिल जाते हैं, इनके लिए हम क्या क्या चीज़ें ऐसा कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो इन्हें गर्मी से बचा के रखें। जैसे कि पानी का भगोना हम बाहर रख सकते हैं, जिससे इन कुत्तों को प्यास लगे तो इनके पास पानी हो, और इत्यादि। तो आज हम कावेरी भारद्वाज जी से ये जानेंगे कि इन कुत्तों को हम कैसे इस गर्मी के माहौल से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। हमारे साथ हैं कावेरी भारद्वाज जी, जो कि डॉग मदर हैं। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि इस गर्मी के मौसम में कैसे कुत्तों के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाए जिससे उन्हें गर्मी कम लगे, और थोड़ा सा उनके एनजीओ के बारे में भी जानते हैं, जो सेल्फलेस जॉब वो इतने अरसों से करके आ रहे हैं। नमस्ते, और आप सबका शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, और बहुत जरूरी है जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए और प्लांट्स के लिए अवेयरनेस, क्योंकि जो इकोलॉजी है, जो हमारा नेचुरल सिस्टम है, वो सिर्फ हम पे नहीं, इन सब पे भी टिका है। तो गर्मी वाकई में बहुत ज्यादा है, और इस साल मुझे लग रहा है पिछले साल से ज्यादा पड़ने वाली है। ऑलरेडी 44-45 प्रेडिक्ट हो रहा है अगले हफ्ते में। तो देखिए, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए तो हम जितना पानी रख सकते हैं, बर्ड्स के लिए हम छतों पे रख सकते हैं पानी, हम बर्ड फीडर घर में प्लास्टिक की पेप्सी की बॉटल्स को आधा काट के उनको टांग सकते हैं। गायों के लिए अगर सोसाइटीज RWA सामने से आती हैं, और वो जो बड़ी वाली जो हौदी होती हैं, अगर दो दो भी बना दी जाए सोसाइटी के बाहर, तो लार्ज एनिमल कवर हो जाता है। ऐसी डॉग्स के लिए छाया वाले क्षेत्रों में मिट्टी वाले या सीमेंट के बर्तन बनाए जा सकते हैं। पर ये ना ही सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, ये सब मिलके करने वाला काम है। ये एनजीओ वाले भी हो, लोग भी हो, रेजिडेंट्स हो, साथ में वॉलंटियर्स हो, प्लस साथ में लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सपोर्ट हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फीडर्स बर्तन लगाते हैं तो लोग उन्हें तोड़ के ले जाते हैं, है ना। तो इस ये एक समन्वय का काम है, और पानी पिलाना और गर्मी से बचाना मेरे हिसाब से पुण्य का काम है। ये सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, हम एक दूसरे के लिए भी करते हैं। तो आप सब करना शुरू करें। बर्ड्स के लिए तो सबसे सिंपल है, आप बर्ड फीडर पेप्सी की बॉटल में बना के टांग दें, उसको पेड़ के ऊपर टांग दें या किसी जगह पे टांग दें, उसमें पानी भर दें, एक बर्तन में आप ऐसे ही दाना रख दें, बर्ड्स भी आएंगी और आपको आवाज भी अच्छी लगेगी, सुबह सुबह आपको उठाएंगी भी टाइम से, है ना। एंड डू इट फॉर डॉग्स एंड कैट्स ऑल्सो। राइट, तो आप सब जान चुके होंगे कि किस तरीके से हम बाहर के जो हमारे एनिमल्स होते हैं उन्हें इस गर्मी के मौसम में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम मैम से ये जानना चाहेंगे कि आजकल जैसे इंडिया में ये ट्रेंड चल चुका है, बाहर के विदेशी कुत्ते पालने का जो ये ट्रेंड चल चुका है, इसके लिए आपका क्या कहना है मैम, कि क्या हमें, मतलब ज्यादातर लोग जैसे हम देख पा रहे हैं आज के समय में विदेशी कुत्ते ज्यादा प्रेफर करते हैं, और हमारे इंडियन डॉग्स बहुत कम लोग हैं जो पूछते हैं। सो आपकी नजर में क्या मानना है इस चीज को लेके, कि क्या इंसान को सिर्फ विदेशी कुत्ते ही पालने चाहिए, और हमारे स्ट्रीट डॉग्स को क्या उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, एंड उसके लिए किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। आयरनी ये है नदिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इवन जर्मनी के भी
वो कंट्रीज हैं जो हमारे इंडियन डॉग्स को मानकर अडॉप्ट करते हैं और ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपया खर्च करके डॉग्स को वहां अडॉप्ट करवा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर अमेरिका में और कनाडा में मेरे देसी डॉग की पूछ हो सकती है तो मेरे इंडिया में क्यों नहीं है। बट परेशानी यही है, हम वोकल फॉर लोकल सिर्फ कहते हैं, माल अभी भी चाइना का खरीदते हैं, पिल्ले अभी भी इलीगल ब्रीडर से खरीदते हैं, अंडर द टेबल ट्रांजेक्शंस करते हैं और फिर हम उसको बोल देते हैं कि हम तो डॉग लवर हैं जी, हमारे घर में भी बैठे। खरीद के लाना बहुत आसान काम है, जिसपे पैसा है वो कुछ भी खरीद सकता है। पर जब आप अडॉप्ट करते हैं, चाहे आप सड़क से कर रहे हैं, चाहे आप किसी शेल्टर से कर रहे हैं, तो आप एक जानवर उसकी जान बचा रहे हैं जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं, फिर आप उसकी जान बचा रहे हैं जो उस जानवर की जगह उस शेल्टर में या उस सड़क पर जगह लेंगे, तो आप दो दो जानवरों को एक साथ बचा रहे हैं। प्लस आप अपने लिए यू आर टर्निंग गुड कार्मा, मतलब आज के जीवन में गुड कार्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली पोस्ट कोरोना जहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं है हमारी लाइफ की, तो अगर थोड़ा सा भी गुड कार्मा रखेंगे सो इट विल चेंज एवरीवन्स लाइफ फॉर बेटर। तो ये टिप्स आई गेस आप सब फॉलो करेंगे। और अब मैम के एनजीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और कैसे आप सब भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक छोटा सा मैसेज हम आपको देना चाहेंगे और किस जरिए से आप भी इस एनजीओ का एक हिस्सा बन सकते हैं, मैम से जान लेते हैं। सोफी मेमोरियल एनिमल ट्रस्ट नाम है हमारे ये, मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो भी इस टाइम पर डॉग्स के साथ दीजिए भैया को भेज देना, हमने 2017 में जब हमारी डॉग पर डॉग्स बनी इंडियन देसी डॉग थी वो, उसकी डेथ के बाद में हमने उसकी मेमोरी में लिविंग ट्रिब्यूट खोला था। अभी 24 अप्रैल को हमने 7 साल कंप्लीट किया है। आज की डेट में ग्रेटर नोएडा का हम एकमात्र एनिमल शेल्टर है जो ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट करता है, गोट से लेके काउस, काफ्स, डोंकीज, कैट्स, मंकीज, मतलब जो भी जानवर सड़क पर नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, हैंस भी है, हम फिर सुबह सुबह उठाते हैं, फिर मुर्गे बांध देकर उठाते हैं सुबह सुबह 4 बजे तक से। तो अब एवरी एनिमल और बर्ड जो अनप्रोटेक्टेड है, जिसको हेल्प की जरूरत है, वो हमारे यहाँ पर संरक्षण के लिए आता है। और एक बार आ जाता है तो या तो हम परमानेंट अडॉप्शन ट्राई करते हैं, वो नहीं होता है तो वो जानवर हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रह जाता है। तो ये था हमारा आज का एक स्पेशल इंटरव्यू कावेरी भारद्वाज जी के साथ जो कि डॉग मदर है। आई होप आप सभी को सारी जानकारी मिल गई होगी, इन केस कुछ रह गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।